फागुन बीत गई, चैत के शुरुआत हो गई, लेकिन अभी तकले जौन बिहार और भारत के राजनीति में उमस रहल हा, जौन लोकसभा चुनाव के तैयारी के लेकर के ममिला रहल हा, अभी तकले ज्यों के त्यों पड़ल बड़ू। हालांकि यह मामला में देखल जाओ तो एनडीए थोड़ा सा आगे बढ़ू, थोड़ा सा आगे ऐसे बा कि उस सीट के फॉर्मूला तय कर ले बा 17-17-6+1। एकरा साथ साथ कई जगह पर प्रत्याशी भी घोषित हो गए बड़े और नॉमिनेशन तक फाइल होके के प्रक्रिया शुरू कर दिले बड़ू। लेकिन वो ये महागठबंधन में देखी तो कुछ भी अभी तक ले साफ नहीं है, बुझाता कि पूर्णवासी के बाद भी अनहरिया ज्यों के त्यों छौले बा। चांद पूरा गोल नजर आवत रहे, लेकिन वैसे ही गोल नजर आवत रहे महागठबंधन के झमेला। ये झमेला में आज रातों रात में रुवालों के बतेबे कहीं कि रात भर के मंथन से जो निकल के आई वो हो सकेला, बहुत संभावना बढ़ुए कि 4 बजे से 5 बजे शाम तक ले आज उमें से कुछ साफ हो जाई। वह पूरा ना होके के उम्मीद बढ़ुए, उमें से आधा साफ होई। महागठबंधन के लोग के कहना बढ़ुए कि हमने के देखल चाहत नहीं जा कि एनडीए कैसे आगे आगे चलत रुए, ओकरा पीछे पीछे हमने के चलब जा। हालांकि एनडीए से बहुत पीछे अभी सीट के मामला में चल रहा बढ़ुए महागठबंधन। ये सब के अलावे हम बात कर रहा बनी एगो पार्टिकुलर एगो खास सीट के, जौन भोजपुरिया भाषा भाषी है, जौना सीट के, जौना लोकसभा क्षेत्र के ये दुनिया में नाम बढ़ुए और नाम के पीछे सबसे बड़ा काम बढ़ुए, कारण भी बढ़ुए कि आज़ादी के बाद यह देश के सबसे पहला राष्ट्रपति वो क्षेत्र से आवतल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सीट हुए और ओजा से उनके नाम से जाना जाला सिवान। सिवान के जलवायु और ओजा के क्षेत्रफल, ओजा के तासीर और समीकरण अगर देखी तो ओजा खास करके दू गो जाति के बहुलता बढ़ु है, मुसलमान और यादव, MY समीकरण के जो अगर बात कर जाओ तो एक सीधे सीधे नाम याद आ जाला लालू प्रसाद के। और पिछला 16 लोकसभा के चुनाव में रुआ के बता दी हैं कि प्रतिनिधित्व के जहां तक सवाल बढ़ुए वह में 9 बार मुसलमान उम्मीदवार ही जीतल बड़े। अब एकरा से अंदाजा रुआ लगा सकत नहीं कि समीकरण कितना प्रगाढ़ बढ़ुए, खास करके अगर बात करें वजह से बाहुबली के रूप में जानल जाए वाला शहाबुद्दीन के, तो 4 बार वजह से चुनाव जीतल बड़े। पिछला चुनाव और ओकरा पहले वाला चुनाव ओम प्रकाश यादव जीत रहन निर्दलीय 2009 में। उनकर ई पूरा समीकरण देख के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लागल कि ई बहुत बढ़िया उम्मीदवार बड़े और एगो बनल बनावल जीतल जितावल सीट उनका मिलत रुए। तो 2014 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव के भारतीय जनता पार्टी अपना खेमा में शामिल कर लस और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ले, जीत भी गई ले। इस सब के अलावे हिना साहब जौन की शहाबुद्दीन के पत्नी बाड़ी, शहाबुद्दीन रुवालों के पता बढ़ुए कि जेल में बाड़न, उनकर पत्नी चुनाव लड़ली और उनकर पत्नी लगभग 1 लाख से कुछ ज़्यादा वोट से हार गई। वोट के समीकरण अगर देखल जाओ तो अब की हाली ये बात एकदम बिल्कुल तय बढ़ुए कि हिना साहब के नाम पर कोनो तरह के कोनो संशय नहीं है, वही ओम प्रकाश यादव के टिकट कट गई बढ़ुए। इहो बात वो लोग के जानकारी मिल गई हुई ऐसे कि वो सीट जौन बा भारतीय जनता पार्टी से छीन के जदयू अपना खाता में कले ले बढ़ुए और जदयू अपना खाता में कैले बा एकरा पीछे कारण भी बढ़ुए कि जौन 6 गो विधानसभा क्षेत्र बढ़ुए ओकरा में 3 गो पर जदयू के कब्जा बढ़ुए और जदयू के कब्जा होके के चलते जदयू के बात लागत रुए कि वो ओकरा पर कब्जा कर ली और बहुत हद तक ये बात साफ हो रहा बढ़ुए कि ओजा से अजय सिंह के उम्मीदवारी मिली। जदयू सूत्र बता रहा है लगातार हमने के भी ये बात के रुवालों के बता रहा बन जा सबसे पहला जो सीट शेयरिंग के समझौता और प्रत्याशी के उम्मीदवारी के घोषणा हमने के कैले रही जा, यानी सूत्र से जो हमने के खबर मिला रहे, जो सूची हमने के लगे अंदर खाना से आई रहे, ओकरा में अजय सिंह के नाम सिवान से हमने के पहले बता दिल रही जा आज से 1 सप्ताह पहले, ओकरा भी पहले हमने के चर्चा में
कई हेलीकॉप्टर हैं, कि अजय सिंह 2018 से ही लगातार ये प्रयास में लागल बड़े कि वो सिवान पर अपन आधिपत्य जमा ले। उनकर पत्नी भी जदयू से बाड़ी, कविता सिंह, इरुवा लोग को भी पता बढ़ुए। और एक साथ साथ उनका समर्थन दोनों तरफ से पड़ुए, भारतीय जनता पार्टी से भी और जदयू से भी। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी समर्थन होने के कारण बढ़ुए कि हिंदू युवा वाहिनी के वो अध्यक्ष बड़े। और 2018 में वो तिरंगा यात्रा लेके निकल रहन और पूरा सिवान क्षेत्र के माने सीमा से लेके उत्तर प्रदेश के सीमा से लेकर के सिवान के गली गली तक, हर शहर तक वो जा करके तिरंगा यात्रा घुमैले रहन। एक जमीन सिवान से चुनाव लड़े के जमीन उनका तैयार बहुत पहले से हो रहा बढ़ गए। और ये भी बुझात रहे ओम प्रकाश यादव के बात पहले से आभास हो गई रहे कि उनकर अब क्या स्थान सुरक्षित नहीं है। अब अजय सिंह के सीट पर दावेदारी बड़ी मजबूत हो रहा बढ़ गए। जहाँ तक रुआ के लोग के जानकारी देतनी कि अजय सिंह जब निकल रहन यात्रा पर तो उनका समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहे। ये बात के अब मानल जा रहा बढ़ुए कि अजय सिंह के एक तरफ जहाँ सवर्ण वोट मिली, वो ये अन्य जाति के भी वोट मिली, और दूसरा हिंदुत्व के आधार पर उनकर वोट लेवे के पूरा पूरा कयास और प्रयास रही, ऐसे कि वो हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष बढ़े। युवा लोग उनका संग काफ़ी संख्या में जुड़ल बढ़ुए और लगातार वो प्रयास में भी लगा रहे हैं। और संगे संगे जदयू और भाजपा दोनों उनका समर्थन में खड़ा बड़ी कहल तो यहाँ तक ले जा रहा बड़ू कि अभी वर्तमान में जौन स्वास्थ्य मंत्री बड़े मंगल पांडे, जौन पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका से भी उनका संबंध बहुत बढ़िया बढ़ू है। ये सब बात के लेके भारतीय जनता पार्टी भी उनका उम्मीदवारी में कोनो तरह के उज्र नहीं है और कोनो तरह के समस्या भी नहीं है। ये सब बात के लेकर के रुवालों के इतने बता दी कि जौन सिवान में 6 विधानसभा बढ़ुए, उनमें दरौली माले के कब्जा में बढ़ुए। अगर बात करी सिवान के तो सिवान के विधानसभा बीजेपी के पाला में बढ़ुए, वही दरौंदा जौन सीट बढ़ुए वो जेडीयू के पाला में बा, जीरा देवी में रही जेडीयू के ही कब्जा बढ़ुए। बड़हरिया विधानसभा में भी जेडीयू का कब्जा बढ़ुए, एगो सीट बढ़ुए जौना में रघुनाथपुर ओकरा पर आरजेडी के कब्जा बढ़ुए। वही दूसरा तरफ हिना साहब के उम्मीदवारी पर भी कोनो तरह के संशय नहीं है। अब के अली देखे ज़्यादातर देखे के मिली कि मुसलमान वर्सेज राजपूत के वजह युद्ध देखे के मिल सकेला। पिछला चुनाव में ओम प्रकाश यादव 372,670 मत ले आई रहन, वजह हिना साहब के 258,823 मत मिल रहे। मत के अंतर मात्र 8-9% के रहा ला। लेकिन एक साथ साथ सबसे बड़ा चीज़ रहा कि यह क्षेत्र में जे कुछ भी वह देखे के मिलत हुए वो क्षेत्र सीधे एक तरफ बढ़ुए कि अब की हली MY समीकरण साधे के पूरा पूरा प्रयास लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में RJD करी। RJD के कोर वोटर MY समीकरण बढ़ुए और ये MY समीकरण पर दुए गो फैक्टर काम कर सकेला और वो फैक्टर के भुनावे के पूरा पूरा तैयारी अब के हली NDA कर रहा बढ़ुए। जहाँ तक सिवान के बात करी तो सिवान में 2009 और 2014 छोड़ करके ओकरा पहले 4 शहाबुद्दीन जीतल बड़न। शहाबुद्दीन के बाद ओम प्रकाश यादव के ओजा कब्जा रहल है और ओम प्रकाश यादव लगातार 2 सांसद रहल बड़े। इस सीट पर 1 जनकहरी रुवालों के पता पड़े 1977 में, जबकि JP लहर बहुत तेजी से रहे ओ घड़ी भी भारतीय जनता पार्टी सिवान सीट पर अपन उम्मीदवारी जतौले रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुत्र मनोरंजन प्रसाद वर्मा के ओजा से उम्मीदवार बना के भारतीय जनता पार्टी फतह हासिल कैले रहे। एक साथ साथ 1989 में भी लोग याद है 1989 में भी इस सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमा में गई रहा और जनार्दन तिवारी यह सीट से जीता रही। अब एक बार फिर से जहां एक तरफ ओम प्रकाश यादव के भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट गई बढ़ुए, वो जो जदयू के सीट मिल बढ़ुए और जदयू के उम्मीदवार अजय सिंह के पूरा पूरा दावेदारी और उम्मीदवारी के
खाली घोषणा मात्र के देरी बढ़ुए और जैसे ही घोषणा होते हुए तो लोग के जानकारी मिल जाए, चूँकि पहले से हमनी के जानकारी देता होता नहीं जा। अब स्थिति ई बा कि जदयू लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से छीन के और सीधे सीधे अब लड़ाई में आगे बढ़ुए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि शहाबुद्दीन से लड़ाई छीन के नीतीश कुमार अब अपन उम्मीदवार उतार के अपने लड़ाई में कुदल बढ़े और देखे को ही कि लड़ाई में जीत शहाबुद्दीन के होते हुए आरजेडी के होता या फिर नीतीश कुमार जदयू के साथ एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के हारल बाजी के फिर से जितावता रहे। सीट पहले से लोग सुरक्षित रहल हा, लेकिन अब स्थिति ये बढ़ुए कि हिना साहब के रंग रूप ज़्यादा नजर आ रहा बढ़ुए। फिर कोनो खबर या विश्लेषण लेकर वालों के सामने हाजिर होकर तब तक खाती गोड़ लगाता नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।